हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल विवेक चैनल में। दोस्तों, आज मुझे एक कस्टमर की कॉल आई थी। वो बता रहा था कि उसकी स्कूटी में, जब वो स्कूटी को स्टार्ट कर रहा है तो स्कूटी में लीकेज हो रहा है पेट्रोल। तो उसने बुलाया है मुझे, मैं यहाँ पर आया, बट उसका घर बहुत दूर है ना, तो यहाँ पर स्कूटी पहुँचती है ना ही बाइक, तो मुझे पैदल ही जाना पड़ रहा है। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा हूँ मैं। अब चलो देखते हैं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसको ठीक करते हैं। ये देखो यहाँ की सीढ़ियाँ दोस्तों, यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ मैं, यहाँ से नीचे से आया था। ये देखो यहाँ का व्यू, अभी मैं पहुँचने वाला हूँ घर में। चलो उसके बाद वीडियो बताता हूँ आपको। अब दोस्तों, अब हम कस्टमर के घर पहुँच गए हैं। ये देखो, ये है हमारे पास, यहाँ पे हमारे सामने एक्टिवा स्कूटी, बट इसमें अब स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, बट ये एक्टिवा स्कूटी है। चलो मैं अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ और जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन मैं आपको एंड में बता दूंगा। और आप वीडियो भी प्रॉपरली देखना, जिससे कि आपको पता लग सके कि क्या इसमें प्रॉब्लम थी। और इसमें एंड में आपको बताऊंगा प्रॉपरली क्या प्रॉब्लम थी और कैसे सही हुई वो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इसको फटाफट ओपन करते हैं, उसके बाद आपको बताऊँगा क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें और कस्टमर क्या बता रहा था हमें। यदि दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को टेक्निकल विवेक 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी तरह आपको सभी भी प्रॉब्लमों का सलूशन पता चल सके। दोस्तों, हमें कस्टमर बता रहा था कि जब वो स्टार्ट कर रहा है स्कूटी को तो उसमें पेट्रोल निकल रहा है कार्बोरेटर से। चलो देखते हैं इसमें पेट्रोल कहाँ से निकल रहा है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसको। दोस्तों, हमने ये स्टार्ट करके देखी, इसमें पेट्रोल लीकेज तो थोड़ा थोड़ा सा हो रहा है। चलो इसके अभी कार्बोरेटर को प्रॉपरली निकालना पड़ेगा, उसको प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। चलो निकालते हैं इसको।
दोस्तों, अब हमारा कारपेटर लगभग प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। इसमें मैं आपको बता दूं क्या प्रॉब्लम थी इसमें। इसके जो जट थे, इसमें जट होते हैं, जट भी जाम थे थोड़े थोड़े से, और इसमें नीडल होती है छोटी सी। इसमें नीडल में कचरा आ गया था जिसके कारण पेट्रोल डायरेक्ट हो गया था, और जब वो स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ से नीचे से निकल रहा था ड्रेन नेट होता है इसका जो कारपेटर का, यही प्रॉब्लम थी इसको। चलो अब हम इसको असेंबल करते हैं। ये दोस्तों, हमने अब इसको असेंबल कर लिया है। दोस्तों, अब हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। इसमें पेट्रोल की लीकेज नहीं हो रही है अब। यही दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। धन्यवाद दोस्तों।